बसमिलीम अल्लाम स्टूडेंट्स उम्मीद है आप सब खैर से होंगे तो पिछले वरी में हमने क्वेश्चन नंबर वन और टू किया था अब हम करेंगे हमारा अगला सवाल क्वेश्चन नंबर थ्री फोर फाइव ये तीन सवाल है इस एक्सरसाइज में तो इसको हम समझते हैं कि किस तरह करना है पहले सवाल नंबर तीन करेंगे इसके बाद चार पाँच को भी इसी वरी में सीखेंगे तो फर्ज़ करें अगर आपके पास कोई भी दो डिस्मल्स नंबर हो जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ टू पॉइंट सेवन थ्री डिवाइडेड बाय वन पॉइंट थ्री अब दोनों में पॉइंट है मतलब डिसमल नंबर है तो हमें इस तरह के नंबर्स को किस तरह सॉल्व करना है तो डिवीजन से भी आप कर सकते हैं वो थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल होंगे तो इसके लिए हम क्या करेंगे सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे फ्रैक्शन का मतलब डिवाइड में चेंज करेंगे तो अभी से आप सीख लें अगले एक्सरसाइज में वो भी आने वाले हैं तो जब भी आप किसी भी नंबर को अगर आप फ्रैक्शन में चेंज करना चाहते हैं जैसे कि वन पॉइंट टू है इसको अगर आपने फ्रैक्शन में डिवाइड में चेंज करना हो जो पॉइंट वाला नंबर है इसको तो क्या करेंगे पॉइंट को यहाँ से हटाएंगे पॉइंट को हटाएंगे तो कितना होगा वन टू डिवाइडेड बाय पॉइंट के बिल्कुल नीचे वन लिखेंगे आगे पॉइंट के बाद जितना डिजिट है उतना आपने ज़ीरो लिखना है नीचे ठीक तो कितना डिजिट है वन डिजिट है तो वन ज़ीरो ये तो इस तरह ये डिवाइड में खुद बखुद चेंज हो जाएगा इसी तरह अगर आपके पास हो थ्री पॉइंट फोर सिक्स इसको अगर आपने चेंज करना हो फ्रैक्शन में तो थ्री फोर फाइव लिख सॉरी सिक्स लिखेंगे पॉइंट को बिल्कुल हटाएंगे यहाँ से इसके बाद पॉइंट के बिल्कुल नीचे वन लिखेंगे आगे डिजिट दिज, कितना है एक दो है तो आपने यहाँ पे दो ज़ीरो लिखना है इस तरह तो ये फ्रैक्शन में ख़ुद बहुत चला जाएगा ठीक इसी तरह यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये जो नंबर है इसको आप चेंज कर सकते हैं फ्रैक्शन में टू सेवन थ्री डिवाइडेड बाय कितना करेंगे पॉइंट के नीचे वन लिखेंगे टू डिजिट है तो जीरो टू टाइम्स आएंगे नीचे इसी तरह इसको अगर आप चेंज करेंगे तो ये क्या होंगे थर्टीन ऊपर लिखेंगे पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो आपने एक ज़ीरो ही लिखना है ठीक अब आप इसको सोल्व कर सकते हैं शायद आपने देखा होगा हमारा वीडियोस पिछले वर्ड्यूज़ परेशन के जिसमें हमने डिवीज़न वाला किया था तो उसी तरह ही हम यहाँ पे डिवाइड करके जिस तरह हमने वहाँ पे किया था उसी तरह ही हम यहाँ पे सोल्व करके आंसर निकालेंगे तो क्या किया था वहाँ पे डिवाइड वाले जो प्रॉब्लम्स है उस को किस तरह सॉल्व किया था पहले इसको लिखा था फिर बेस में डिवाइड के बजाय हमने मल्टीप्लाई लिखा था फिर इसको उलट करके लिखा था नीचे वाले को ऊपर ऊपर वाले को नीचे इस तरह लिखा था ठीक तो इसके बाद आपको पता है कसर काटेंगे टेन का डिविजिबल है तो आप इसको काटेंगे क्या ये तीन का डिविजिबल है नहीं है ठीक तो फिर आप देख सकते हैं कि ये तेरह का डिविजिबल है क्यों क्योंकि तेरह दोनी छब्बीस एक बचते हैं तेरह तेरह एक तेरह तो थर्टीन वन ज थर्टीन थर्टीन टू ज ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सेवन तो थर्टीन वन थर्टीन होंगे तो इस तरह थर्टीन ट्वेंटी वन ज टू सेवेंटी थ्री होंगे अब अगर आप देखेंगे तो ट्वेंटी वन डिवाइड बाई टेन आ रहे हैं तो इसको दोबारा आपने क्या करना है दिसमाल में कन्वर्ट करना है क्यों क्योंकि सवाल में जो नंबर्स है वो दिशा में है तो इसलिए हमें क्या करना है दोबारा दिसमाल में कन्वर्ट करना है तो इसमें जो आंसर आए थे वो था ट्वेंटी वन आवर टेन तो इसको चेंज किस तरह करेंगे शायद आपको पता हो तो डिवाइड करेंगे ट्वेंटी वन डिवाइड बाई टेन टेन टू ट्वेंटी वन तो पॉइंट आएंगे और यहाँ पे कितना आएंगे वन तो इस तरह हम जब देखेंगे ना यहाँ पे तो देख कर ही बता सकते हैं कि इसको डायरेक्ट किस तरह चेंज करना है किस तरह चेंज करेंगे जिस तरह हमने यहाँ पे टेन नीचे लिखा था एक पॉइंट के बाद एक नंबर हो तो हमने नीचे टेन लिखा था इसी तरह जब आप यहाँ देखेंगे तो नीचे टेन है तो आप क्या करेंगे ऊपर एक डिजिट की से पहले पॉइंट लिखेंगे ठीक तो इस तरह आपको टू पॉइंट वन आंसर मिलेंगे या आप इस तरह करें अगर समझ में नहीं आए अगर नहीं कर पाए तो ठीक अगर नहीं कर पाए तो इस तरह करें आंसर कर निकालें अगर डायरेक्ट बता सकते हैं लिख सकते हैं तो फिर इस तरह लिखें आंसर आपको मिल जाएंगे ठीक समझ गए तो आते हैं एक्सरसाइज को भी इसी तरह से सोल्व करके देखते हैं कि क्या क्या करना है एक्सरसाइज नंबर फोर क्वेश्चन नंबर थ्री सोल्व द फॉलोइंग क्या करना है सोल्व कर देना है हल कर देना है पार्ट ए है टू पॉइंट नाइन टू डिवाइड बाय वन पॉइंट सिक्स है तो हमने अभी सीखा था कि इस तरह के जो दो नंबर्स अगर दोनों डिसम्बर्स में हो तो हमने कौन सा मेथड यूज़ करना है कसर वाला जो हम कसर काट के सोल्व करते हैं उस वो वाला मेथड यूज़ करेंगे ना कि ये वाला ठीक तो शुरू करते हैं सोल्व करते हैं इसको टू पॉइंट नाइन टू इसको चेंज करेंगे फ्रैक्शन में तो फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए ऊपर आपने डायरेक्ट नाइन टू लिखना है पॉइंट बिल्कुल यहाँ से इसको ख़त्म कर देना है फिर इसके बाद पॉइंट के नीचे बिल्कुल वन लिखें आगे कितना डिजिट है टू डिजिट है तो दो ज़ीरो लिखेंगे इसी तरह डिवाइड बाय सिक्सटीन डिवाइड बाय कितना होंगे टेन होंगे पॉइंट के बाद वन डिजिट है तो अब आप इसको मज़ीद हल कर सकते हैं टू नाइन्टी टू डिवाइड बाई हंड्रेड लिखेंगे डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे इसको उलट लिखेंगे ये टेन का डिविज़बल है तो एक, एक ज़ीरो यहाँ से काटें और सिक्सटीन को अगर आप देखेंगे तो ये टू का डिविजिबल है दोनों ठीक आप टू 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 करके काट सकते हैं अगर आप देखेंगे तो ये टू का डिविजिबल है तो क्या करेंगे टू एट टू वन टू फोर टू सिक्स इसके बाद मजीद आप देखेंगे तो ये भी टू का डिविजिबल है वो भी टू का डिविजिबल है तो टू फोर एट टू सेवन और थ्री ठीक तो इस तरह आप देख सकते हैं ऊपर सेवेंटी थ्री नीचे आएंगे टेन मल्टीप्लाई बाय चार यानी टेन मल्टीप्लाई बाय तो हो रेंगे इसको अगर आप मज़ीद सॉल्व करेंगे तो क्या होंगे सेवेंटी थ्री डिवाइडेड बाय चालीस समझ गए तो ये ऊपर वाला जो नंबर है वो ग्रेटर है और नीचे वाला नंबर लेस है तो हम यहाँ पे डिवाइड करके इसको क्या करेंगे डिसमल नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो करते हैं डिवाइड और देखते हैं कि क्या आते हैं सेवेंटी थ्री डिवाइडेड बाय चालीस करेंगे चालीस से कम तो ये इसका जो आंसर आएंगे वो मैं डायरेक्ट लिखूंगा क्योंकि ये आप कर सकते हैं वन पॉइंट एट टू फाइव आएंगे, इसको हल करने के बाद डिवाइड करने के बाद ठीक क्वेश्चन नंबर बी है सेवन पॉइंट सेवन डिवाइड बाई थ्री पॉइंट फाइव तो सेवन पॉइंट फाइव डायरेक्ट मैं करूँगा अब तो आप समझ चुके होंगे सेवेंटी सेवन पॉइंट टेन मल्टीप्लाई बाय टेन बाई थर्टी फाइव ठीक पहले इसको डिवाइड में लिखेंगे थर्टी फाइव और टेन लिखेंगे डिवाइड मल्टीप्लाई करके उलट लिखेंगे तो आपको मिल जाएंगे तो ये दोनों कैंसिल ये किसका रिजबल है सेवन का सतपन छः पैंतीस सत्तपन छः पैंतीस सत ग्यारह सतहत्तर तो ग्यारह बट पाँच आएंगे इसका फिर इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएँगे वो फाइव टू ज टेन फाइव टू जो टेन मतलब टू पॉइंट टू आपको आंसर मिलेंगे इन दोनों को डिवाइड करने के बाद तो आते हैं अगले सवाल की तरफ क्वेश्चन नंबर सी हमारे पास क्या है देखते हैं तो आपके पास सवाल नंबर सी है फोर पॉइंट थ्री सेवन डिवाइड बाई वन पॉइंट नाइन तो इसको सॉल्व करते हैं आंसर निकालते हैं देखते हैं क्या आते हैं तो फोर थ्री सेवन डिवाइडेड बाय हंड्रेड करेंगे फिर डिवाइडेड बाय नाइनटीन आवर टेन हो जाएंगे ये पॉइंट को हटाएंगे तो फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो फिर इसके बाद फोर थ्री सेवन डिवाइड बाई हंड्रेड मल्टीप्लाई बाई इसको क्या करना था चेंज कर देना था इसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये ज़ीरो ज़ीरो के साथ कैंसिल होंगे और ये जो नंबर है ये नाइन्टीन वन जो प्राइम नंबर है ना तो कोई भी दूसरा नंबर इसके डिविजल नहीं होंगे तो यकीन नाइनटीन वन जा नाइनटीन नाइनटीन टू तो, थर्टी एट और थर्टी एट के बाद आगे गई पाँच सतावन तो नाइनटीन थ्री ज फिफ्टी सेवन हो होंगे ठीक तो इस तरह आपका सरकार काट सकते हैं तो आपके पास आएँगे ट्वेंटी थ्री डिवाइड बाई टेन अब जब आप इसको मस्जिद डिवाइड करेंगे तो जो रिजल्ट आएंगे वो आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं क्यों क्योंकि नीचे वन है और ज़ीरो है तो इसका मतलब हमें क्या करना है ऊपर एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देना है जो हम सीख चुके हैं तो यकीन आपको पता होगा डिवाइड बाई टेन और ऊपर क्या करना है एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देना है ठीक तो इस तरह आपके पास आंसर आएंगे टू पॉइंट थ्री आते हैं अगले सवाल की तरफ और देखते हैं सिक्स पॉइंट टू फोर डिवाइड बाई सेवन पॉइंट एट तो इसको सॉल्व करें सिक्स टू फोर डिवाइडेड बाई हंड्रेड ठीक डिवाइडेड बाई सेवन एट डिवाइड बाय टेन समझ गए तो किस तरह किया है यहाँ पे टूल्थ है तो नीचे टू जीरो यहाँ पे वन है तो नीचे आएंगे वन ज़ीरो तो इस तरह क्या करना है सिक्स टू फोर डिवाइड बाई हंड्रेड इसको चेंज करने मल्टीप्लाई में फिर ऊपर आएंगे टेन नीचे आएंगे सेवेंटी एट तो ये दोनों कैंसिल इन दोनों को आप टू के टू के साथ कैसे काट सकते हैं अगर नहीं पता तो तो टू थ्री टू नाइन टू थ्री टू वन टू टू अब इसको भी हम दोबारा काट सकते हैं किसके साथ टेन फाइव टू वन ज़ीरो सॉरी वन फाइफ और सिक्स आएंगे इस तरह ये आएंगे, पहले लिखते हैं फिर दोबारा देखते हैं कि क्या कोई कसर कर सकते हैं कि नहीं थर्टी नाइन अब अगर आप देखेंगे तो इन दोनों को अगर आप गौर से देखेंगे तो ये दोनों तीन के डिविजिबल है क्यों है क्योंकि इनको प्लस करें छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह बारह डिविजल है और इसको प्लस करें तो नौ दस ग्यारह बारह मतलब दोनों तीन के डिविजल होंगे इस तरह आप चेक कर सकते हैं तो तीन पाँच पंद्रह तीन दो छः तीन एक तीन 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 नौ ठीक तो आप इसके बाद आप डायरेक्ट यहाँ से बता सकते हैं थर्टीन वन ज थर्टीन। थर्टीन, थर्टीन थर्टीन थ्री फोर ज फिफ्टी टू तो।, तो इस तरह आपके पास आएँगे फोर आवर फाइव तो बाकी जो है वो आप कर पाएंगे यकीन तो फोर को डिवाइड करें आप फाइव से तो फोर डिवाइड बाई फाइव पाँच ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो आते हैं चालीस ठीक तो इस तरह आपके पास आंसर आएंगे ज़ीरो पॉइंट एट आपको आंसर मिलेंगे समझ गए तो इस तरह अगर आप यहाँ से स्पेस कम हो तो नीचे दोबारा लिखें दोबारा कसर काटें ताकि आपके लिए कोई मसला ना हो अगर दो तीन टाइम्स कसर का काटने के बाद थोड़ा सा जगह कम पड़ जाए तो इसमें से हो सकते हैं कि एक दो नंबर यहाँ से मिस हो सकते हैं जैसे कि यहाँ फाइव था ये अगर आप नीचे नहीं लिखेंगे तो फिर आपके आंसर गलत भी आ सकते हैं तो पहले एक दो काटने के बाद नीचे दोबारा लिखें नंबर्स को फिर दोबारा कसर काटें समझ गए तो आते हैं अगले सवाल की तरफ और देखते हैं क्या है तो आपके पास सवाल नंबर ई है टू पॉइंट सेवन थ्री डिवाइड बाई वन पॉइंट थ्री तो इसको सॉल्व करते हैं किस तरह करेंगे टू पॉइंट सेवन थ्री ऊपर लिखेंगे डिवाइडेड बाय क्या करेंगे इसको ख़त्म करेंगे यहाँ हंड्रेड आएंगे फिर डिवाइडेड बाई वन थ्री ऊपर लिखेंगे पॉइंट को ख़त्म करेंगे टेन आएंगे ठीक तो इस तरह इसको ख़त्म करें यहाँ से डायरेक्ट आप अगर आप लिखना चाहो तो टू सेवन थ्री डिवाइड बाई टेन सॉरी हंड्रेड मल्टीप्लाई बाय टेन आवर थर्टीन आएंगे तो ये इसके साथ कैंसिल होंगे तो थर्टीन टू ज ट्वेंटी सिक्स और थर्टीन वन जर थर्टीन तो ट्वेंटी वन और टेन होंगे इसको अगर आप को, अगर आपने अब तक सीखा है तो यकीन आपको पता चल चुका होगा कि इसका रिजल्ट क्या आएंगे तो नीचे टेन है तो वन डिजिट से पहले आपने पॉइंट लगा देना है तो इस तरह आपके पास आंसर आएंगे टू पॉइंट वन आते हैं अगले सवाल की तरफ और देखते हैं कि क्या है हमारे पास एफ़ एट पॉइंट नाइन वन डिवाइड बाई थ्री पॉइंट थ्री तो इसको मैं करके आपको समझाऊंगा तो जब आप डिवाइड करेंगे इन दोनों को तो पहले फ्रैक्शन में चेंज करेंगे यहाँ हंड्रेड आएंगे यहाँ टेन इसके बाद कसर काटेंगे तो ये दोनों जीरो पहले से ही काटेंगे यहाँ से इसके बाद अगर इन दोनों नंबर्स को देखेंगे तो ये थ्री थ्री है तो इसका मतलब छः डिविजिबल है तीन का और ये दस अठारह अट्ठारह तीन का डिविजल है मतलब ये दोनों तीन का डिविजल है तो हम इन दोनों को कसर कर सरकार सकते हैं तीन ग्यारह तैंतीस तीन दो छः तीन नौ सैईस तीन सतह इक्कीस हो जाएंगे इसके बाद अगर तो आप लिखना चाहो तो नीचे दोबारा लिखें टू नाइन सेवन डिवाइड बाय टेन एलेवन वन टेन हो जाएंगे वन हंड्रेड टेन इसके बाद टेन एलेवन के साथ आप इसको कैसे काट सकते हैं 11, एलेवन टेन वन टेन और एलेवन टू ट्वेंटी तो टू सेवन तो एलेवन सेवन ट्वेंटी सेवन, सेवन तो इस तरह तो आपके पास आएंगे ट्वेंटी सेवन और टेन तो ये डायरेक्ट आप आंसर निकालेंगे तो लिख सकते हैं टू पॉइंट सेवन आपको आंसर मिलेंगे ठीक आगे आते हैं अगले सवाल देखते हैं तो अगर आपने अब तक के जो सवाल आ, समझा है तो यकीन बाकी जो तीन सवाल हैं वो आप कर पाएंगे तो इन में से मैं सिर्फ एक सवाल करूंगा वो समझाऊंगा वो है क्वेश्चन नंबर एच ठीक तो इस करते हैं इसमें क्या गिवन है सवाल में थ्री पॉइंट सिक्स एट डिवाइड बाई ज़ीरो पॉइंट फोर तो इसको किस तरह सॉल्व करेंगे सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन थ्री सिक्स एट देखेंगे नीचे हंड्रेड आएंगे मत पहले डिवाइड करते हैं अब यहाँ इस नंबर को अगर आप देखेंगे तो ज़ीरो पॉइंट फोर है तो हमें क्या करना है ज़ीरो फोर आप लिख सकते हैं पॉइंट को हटा के तो ज़ीरो आप किसी भी नंबर के अगर बाएं तरफ हो तो उसको लिखें या नहीं लिखें उसके नंबर पे कोई फ़र्क नहीं आएंगे वो मैंने पहले बता दिया था तो आप सिर्फ़ फोर करके लिख सकते हैं है ठीक तो थ्री सिक्स एट डिवाइडेड बाई हंड्रेड मल्टीप्लाई बाय अब क्या होंगे इसको उलट लिखेंगे तो यहाँ सिर्फ और लिख सकते हैं तो ये कैंसिल होंगे चार बारह छत्तीस और चार दुनी आठ तो इस तरह आएंगे सॉरी बारह सौ के अड़तालीस होंगे बल्कि बल्कि नौ सौ के छत्तीस होंगे तो नाइन आएंगे नाइन्टी और नाइन टू जट सॉरी फोर टू जी तो आपके पास नाइन टू आवर टेन आ रहे हैं तो इसका आंसर क्या होंगे अब तो आप लिख सकते हैं नाइन पॉइंट टू होंगे वन डिजिट के बाद या उससे पहले पॉइंट लगा देना तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ चुका होगा आते हैं जो बाकी जो दो सवाल है उसको करते हैं समझते हैं किस तरह करना है और क्या करना तो है सवाल नंबर चार करने से पहले मैं आपको ज़रूर बताना चाहता हूँ कि अगर आपने चैप्टर नंबर वन डिविजिबल जो डिवीजन वाला मेथड था उसमें वर्ड्स प्रॉब्लम के सवालत कि वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप ज़रूर उसको देख लें क्योंकि मैंने वहाँ पे सारी चीज़ें समझाया था कि किस तरह आपने सवाल को समझना है डिवीज़न वाले को और कैसे पता चलेगा कि यहाँ डिवाइड करना है या मल्टीप्लाई करना है क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स को यही मसला हो जाते हैं पेपर के दिन कि किस सवाल को डिवाइड करना है किस सवाल को मल्टीप्लाई कर देना है किस सवाल को प्लस माइनस करेंगे नहीं पता चल जाते हैं इसलिए मैं आपसे यही कहूँगा कि वो पहले देखें ताकि आपको कोई मसला ना हो ठीक तो सवाल नंबर चार है इन फाइव बैग्स थ्री पॉइंट सेवन फाइव के जी ऑफ फ्लोर इज़ टू बी पैक्ड हाउ मच फ्लोर विल बी इन ईच बैग तो हर बैग में कितना फ्लोर आएंगे तो यहाँ पे सवाल में अगर आप देखेंगे तो इन ईच बैग यानी एक हर एक में हर एक में का मतलब क्या है एक में बताना है हमें कि कितना आएगा तो हमने सीखा था उस वीडियो में कि अगर आपको दो नंबर्स गिवन हो और आपसे कहा जाए कि एक का निकालें तो आपने क्या करना है डिवाइड कर देना है ठीक तो डिवाइड करते हैं सॉल्यूशन लिखेंगे पहले फिर किसको किसके साथ डिवाइड करेंगे इन फाइव बैग्स थ्री पॉइंट सेवन फाइव के जी इज टू बी पैक तो क्या करना है कि तीन इशारे सेवन फाइव किलोग्राम आटे को पाँच थैलों में तकसीम कर देना है डिवाइड कर देना है तो सवाल है हाउ मच रूल बी इन एज बैग हर एक बैग में कितना आएगा तो शुरू करते हैं डिवाइड करेंगे आंसर निकालेंगे तो थ्री पॉइंट सेवन फाइव डिवाइड बाय फाइव करेंगे तो आपके पास दो मेथड है तो जो मेथड आप यूज करना चाहो कर सकते हैं ठीक तो मैं यहाँ पे डिवीज़न मेथड करूँगा क्योंकि एक के साथ दूसरे के साथ नहीं है तो पॉइंट यहाँ पे फाइव तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो ज़ीरो लेस है तो क्या करना होगा ज़ीरो पॉइंट लगा देना होगा यहाँ पे फिर पाँच सते पैंतीस होंगे ठीक माइनस करेंगे टू बचेंगे पाँच पाँच छः पच्चीस फाइव फाइव ट्वेंटी फाइव तो आएंगे ज़ीरो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आएंगे ज़ीरो पॉइंट सेवन फाइव तो फ्लॉर इन ईच बैग आप यहाँ पे लिख सकते हैं इन एच करके आपने क्या लिखना है ज़ीरो पॉइंट सेवन फाइव के जी आएंगे तो यहाँ पे के जी भी लिखें तो आप समझ चुके होंगे अगला सवाल देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर फाइव तो क्वेश्चन नंबर फाइव है सना वांट्स टू फिल सिक्सटी सेवन पॉइंट फाइव लीटर्स ऑफ आयल इन बोतल्स तो सना सिक्सटी सेवन पॉइंट फाइव लीटर तेल को बोतलों में भरना चाहते है तो सना के लिए चाहती चाहता दोनों आप यूज़ कर सकते हैं कुछ जगहों पे गर्ल्स के लिए नाम रखते हैं तो कुछ जगहों पे बॉयज़ के लिए तो अगला है फाइन द नंबर ऑफ बोतल इफ़ द कैपेसिटी ऑफ द बोतल इज़ फोर पॉइंट फाइव लीटर तो अगर एक बोतल की कैपेसिटी फोर पॉइंट फाइव लीटर हो तो उस वक्त आपने बताना है कि कितना बोतल्स होंगे ठीक बोतल कितना बनेगा तो एक एक बोतल की कीमत आपने सॉरी कैपेसिटी आपने बतानी है फाइन करनी है तो करते हैं सॉल्यूशन क्या करेंगे इन दोनों को डिवाइड करेंगे क्योंकि हर एक बोतल में कितने आएंगे ये कहा है ठीक तो सिक्सटी सेवन पॉइंट फाइव डिवाइडेड बाय फोर पॉइंट फाइव तो इसको किस तरह हल करते हैं ये आपको पता है कि किस तरह करेंगे तो मैं करके आपको आंसर नहीं शो करूँगा और समझाऊँगा भी ठीक तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो पहले वन डिसमल है तो डिवाइड बाई टेन दूसरा नंबर भी वन है तो फिर डिवाइड बाई टेन होंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे उस इसको उलट लिखेंगे और टेन को टेन के साथ आप कसर कर सकते हैं बाकी सिक्सटी सेवन सिक्स सेवन फाइव और फोटी फाइव तो इन दोनों को अगर आप देखेंगे तो लास्ट में फाइव है मतलब फाइव का डिविजिबल है तो उनपन पैंतालीस और इसको फाइव के साथ करेंगे तो वन थ्री फाइव तो यहाँ पे मैंने जगह कम कम होने की वजह से यहाँ पे लिखा है तो वन थ्री फाइव और नाइन दोबारा यहाँ पे लिखे फिर आप देखेंगे तो ये नाइन का भी डिविजल है लेकिन अगर नहीं पता तो तीन का डिविजल है ये तो आपको पता होगा पाँच छः सात आठ नौ ठीक ये भी डिविजल है ये भी डिविजल है तो थ्री थ्री नाइन थ्री फोर ट्वेल्व और थ्री फाइव फिफ्टीन हो जाएंगे तो इस तरह आएंगे फोर्टी फाइव और थ्री तो थ्री वन जो थ्री थ्री फाइव जो फिफ्टीन जब आपका सर काटेंगे तो आपको आंसर मिलेंगे फिफ्टीन तो इस तरह कितना बोतल भरेंगे फिफ्टीन बोतल्स होंगी अगर बोतल्स की कैपेसिटी अगर फोर पॉइंट फाइव लेटर हो तो क्वेश्चन नंबर बी भी है तो वो भी देखते हैं कि क्या है तो सवाल नंबर बी है द कैपेसिटी ऑफ़ द बोटल इज़ टू पॉइंट फाइव लीटर तो आपके पास जो सवाल में गिवन था वो था सिक्सटी सेवन पॉइंट फाइव तो अगर कैपेसिटी टू पॉइंट फाइव हो तो टू पॉइंट फाइव से डिवाइड करेंगे तो इसको किस तरह डिवाइड करते हैं ये आपको पता होगा टेन फिर डिवाइड बाई ट्वेंटी फाइव टेन ठीक इसके बाद इसको चेंज करेंगे तो आएंगे टेन मल्टीप्लाई बाई टेन और ट्वेंटी फाइव ये दोनों कैंसिल होंगे ट्वेंटी फाइव तो ये अगर आप डायरेक्ट कर सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है अगर नहीं कर सकते हो तो इसको सोल्व करके निकालें ठीक तो फाइव 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 वन फाइव थ्री फाइव फाइव ठीक इसके बाद दोबारा वन थ्री फाइव और फाइव आ रहे हैं फाइव वन फाइव टू जो टेन फाइव सेवन तो इस तरह आपके पास आएंगे ट्वेंटी सेवन आंसर मिलें ये समझ गए तो इस तरह आप आसानी के साथ किसी भी वज प्रॉब्लम को पहले समझेंगे फिर उसको सॉल्व करके आंसर निकालें ये तो उम्मीद है आपको आज का ये लेक्चर भी अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा तो मैं आखिर में यही कहूँगा कि अगर समझ में आ रहे हैं तो लाइक करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़